हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज हम देखने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसी के साथ हम देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाए फ्रॉम द इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बट दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जो हमने बनाए थे सॉल्यूशन के ऊपर, तो आप जरूर एक बार देखें ताकि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही इजीली समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पढ़ने से पहले हमको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर एग्जैक्टली सेम बन जाए उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और उस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है वो बॉइल होना शुरू होता है। ठीक है, अब हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया। ठीक है, अब नॉन वोलाटाइल की तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ हम देखेंगे प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल है हमारा। ठीक है, उस वो वोलाटाइल होने की वजह से उसके वेपर्स जल्दी क्रिएट हो जाएंगे। वेपर्स जल्दी क्रिएट होंगे तो वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। वेपर प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो जितने जल्दी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उतने जल्दी वो बॉयल हो जाएगा। अगर हम सपोज उसके अंदर ऐड करते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अगर हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल होने की वजह से वो वेपर्स क्रिएट नहीं करेगा। तो इसीलिए उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट या उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमको उसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। तो हम उसको क्या करेंगे? अभी हीट करेंगे, और हीट करने के बाद जब वेपर प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल आ जाएगा तब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिला के जो सॉल्यूशन बना है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, उसमें हमने क्या डाल दिया? सम क्वांटिटी में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया और उन दोनों को क्या कर दिया? हीट किया। हीट करने के बाद वो कहाँ पे रीच करेगा? बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो उन दोनों में जो डिफरेंस आया, ठीक है, उसके दोनों के डिफरेंस को हम कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट तो उसका कम था, क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट जो था वो वोलाटाइल होने की वजह से, प्योर सॉल्वेंट वोलाटाइल होने की वजह से वो जल्दी बॉइल होने वाला था, बट उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? यानी उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम कहने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। वो इक्वेशन कैसा बनेगा तो देखते हैं। ये हो गया हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग टेम्परेचर। Ts हो गया हमारा सॉल्यूशन का, दोनों भी मिला के सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट T0। ठीक है, तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Ts माइनस T0। ये हो गया हमारा इक्वेशन किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है? उसको दो फैक्टर्स है, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके ऊपर उसका डिपेंडेंस रहेगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, और द नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है? वोलाटाइल है तो जल्दी वो रीच हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट तक, नॉन वोलाटाइल है तो उसको रीच होने को टाइम लगेगा। ये तो आपको समझ रहा है, अगर नहीं समझ रहा है तो आपको वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। अब है रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर कितना लो हो रहा है, इसमें का क्या रिलेशन है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, उस ग्राफ में है एक साइड में है हमारा वेपर प्रेशर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, T0 यानी प्योर सॉल्वेंट का, Ts यानी बताओ, Ts यानी सॉल्यूशन का, P यानी टोटल मिक्स के, और P0 यानी प्योर सॉल्वेंट का, ये तो पता है। ठीक है, अब ये है सॉल्यूशन का ग्राफ, ये है सॉल्वेंट का ग्राफ, हमने दोनों को भी पुट कर दिया। अब दोनों को पुट करने के बाद हमको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे दोनों भी इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है,
यहाँ पे दोनों भी इंट्रैक्ट हो रहे हैं। अब दोनों भी इंट्रैक्ट होने की वजह से इन दोनों का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे इक्वेशन निकलेगा। हमारे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी जीरो। और ऊपर के ग्राफ से हम और क्या देख सकते हैं, तो ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सी, ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सी। जितना इतना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा, ठीक है, जितना बढ़ रहा है उतना इधर बढ़ रहा है। ये हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, इन दोनों में का डिफरेंस, टी जीरो माइनस टी एस, इन दोनों में का डिफरेंस। तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा टी बी। अब इसमें से जो ज़्यादा रहेगा वह उससे माइनस करेंगे, टी एस ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, तो टी एस माइनस टी जीरो, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी जीरो। ये हो गया। अब ए सी क्या है, ए सी वेपर प्रेशर है इन दोनों के बीच का। अब वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किधर है, यहाँ से बढ़ रहा है। अब वेपर प्रेशर पी जीरो माइनस पी, तो हमने वो भी लिख लिया पी जीरो माइनस पी, तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी जीरो माइनस पी। ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये डेल्टा टी बी क्या है, हमने अभी पढ़ा इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको समझ रहा है क्या, अगर मैंने मीथेन लिया उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 64, ठीक है। मीथेन लिया, मिथेनॉल, उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है 64.7 वगैरह आता है, ठीक है, हम 64 पकड़ते हैं, तो 64। अब उसका वोलाटाइल होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, 64 पे वो बॉइल हो जाता है। अब इसमें मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, हमारा वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। वाटर कितना है 100 डिग्री, दोनों को सेम क्वांटिटी में डाला, तो इसका जो 64 पे ये बॉयल होने वाला था, दोनों का मिक्सचर बनाने के बाद 64 पे थोड़ी ना बॉयल होगा, कैसे बॉयल होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या डाल दिया, नॉन वोलाटाइल लिक्विड डाल दिया, उस वजह से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो हमको हीट करना पड़ा, ठीक है, समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसका जो 64 है वो कितने तक जाएगा, हो सकता है 80 तक जाए, 82 तक, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, नियर अबाउट कितना 82 तक जाए, तो इतना जा रहा है। तो इन दोनों में का जो डिफरेंस है, यानी टी एस कौन सा हो गया हमारा सॉल्यूशन का, और टी जीरो प्योर सॉल्वेंट का, तो इन दोनों में का डिफरेंस हमारा है टी बी। तो कितना हो गया, इलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में, इसमें 64 था तो 82 तक, यानी इंक्रीज हो गया, इलिवेशन हो गया, ठीक है, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जितना इसमें इंक्रीज होगा उतना ही इसमें डिक्रीज होगा, यानी कि ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज से देखते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा लगेगा, बट है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, तो ये जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ था वो मोलालिटी के साथ कैसे डिपेंडेंट है, है ना, उसका क्या रिलेशन बनता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड के साथ क्या रिलेशन बनता है, ये हम देखेंगे। तो हमको पता है ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। अब उसको प्रूव भी कर देते हैं, डेल्टा टी बी ये तो पता है हमको, ठीक है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल रहे हैं, मोलालिटी। अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी लिखा, ये क्या हो गया हमारा, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने रिलीज कर दिया, उसको हटा दिया, इस वजह से हमको उसको यहाँ पे क्या लेना पड़ा, कॉन्स्टेंट लेना पड़ा, इनटू मोलालिटी जैसे का वैसे लिख लिया, तो के बी इज इक्वल टू क्या हो गया, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तो समझते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को अगर के बी की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि अगर मोलालिटी है मैं उसको वन कर सकता हूँ, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी हम वन रख सकते हैं, यूनिटी रख सकते हैं। तो अगर मैंने उसको वन कर दिया तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बन सकते हैं एट वन यूनिटी, जो मोलालिटी है वहाँ पे, ठीक है। अगर हमको इसका यूनिट जानना है के बी का, तो यूनिट क्या आएगा हमारा, देखते हैं, डेल्टा टी बी, इस मोलालिटी को नीचे ले लिया मैंने, नीचे एम, ठीक है। अब डेल्टा टी का यूनिट क्या आता है हमारा, केल्विन, है ना, टेम्परेचर हम काय में गिन सकते हैं, केल्विन, डिग्रीज, फेरानाइट, तो हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, केल्विन, डिवाइडेड बाय के जी इनवर्स मोल, तो टोटल हमारा यूनिट क्या हो गया, केल्विन के जी मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स, ये हो गया हमारा यूनिट, किसका, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट का। अब इसके ऊपर भी हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर से मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना है हमको, ठीक है। उसके पहले हम और क्या देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, इलिवेशन। अब
फ्रीजिंग पॉइंट में क्या एलिवेशन होता है, उसमें कितना बढ़ाव होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ओन सॉलिड, उसका खुद का सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है उसके इक्वल में जब बनेगा तब वो फ्रीज हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको समझता है। अब हम देखते हैं कि प्योर सॉल्वेंट हमने ले लिया, ठीक है, अब ऐसा फ्रीज नहीं करते हैं, ठीक है, उसको फ्रीजर में रखते हैं, बट ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। तो हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया इसमें, ठीक है, अब उसका जो है वो वोलाटाइल होने की वजह से, वो ज़्यादा वोलाटाइल है तो वेपर्स क्रिएट करेगा, वेपर्स क्रिएट कर रहा है ज़्यादा तो उसको सेटल डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, उसके अंदर क्या डाल दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट डाल दिया। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट डालने की वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वो सॉलिड बनने के और पास आ गया, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है मैं बताता हूँ, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, प्योर सॉल्वेंट ले लिया इसमें, ठीक है, अब प्योर सॉल्वेंट का अगर सपोज मैं करता हूँ कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -7°C पे, ठीक है, -7° पे वो फ्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल डालने की वजह से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा, तो कितना हो गया, सपोज मैं बोलता हूँ -70° आ गया, तो एक्चुअल में तो वो नीचे आया, ठीक है, बट उसको देखा जाए तो इलिवेशन हो गया, क्योंकि ये जो साइन है वो माइनस में है, तो 7 से किधर जा रहा है, 17 तक, तो क्या हो रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इलिवेशन हो रहा है, बट उसको हम क्या कह सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, डिप्रेस हो गया, इसलिए हम उसको कह रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है बट एक्चुअल में तो वो इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट इलिवेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी जीरो माइनस टी एस, इसमें उल्टा हो गया, वहाँ पे कैसा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी जीरो था, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट माइनस टी एस सोल्यूशन, क्योंकि इससे इसको माइनस कर सकते, इससे इसको माइनस नहीं कर सकते, छोटे से बड़े को माइनस नहीं कर सकते, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस होने की वजह से सब उल्टा काम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर की लोअरिंग में और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है। यहाँ पे हमने ग्राफ निकाला है, सेम ग्राफ है, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, डिरेक्शंस अलग हो गई, वहाँ पे इस डिरेक्शन में था, यहाँ पे इस डिरेक्शन में है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्वेंट का ग्राफ है और एक है सॉल्यूशन का, एक लाइन है सॉल्वेंट की, एक है सॉल्यूशन की, हमने उसको भी प्लॉट कर लिया, ए बी सी तीन पॉइंट दे दिए, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है टी एफ इज इक्वल टू टी जीरो माइनस टी एस, बट ऊपर के कर्व्स के हिसाब से हमने कुछ पॉइंट सेट कर लिए ए बी और सी, तो उसके ऊपर से देखते हैं, ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सी दिख रहा है हमको, ठीक है, दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए बी और ए सी, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ए बी हमारा क्या है, ए बी क्या है हमारा, तो इन दोनों में का डिफरेंस है डेल्टा टी एफ, ठीक है, टी जीरो माइनस टी एस। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ज़्यादा टेम्परेचर से कम को माइनस करेंगे ना, यहाँ से इसको माइनस नहीं कर सकते, टी जीरो का ज़्यादा है, टी एस का कम है, तो टी जीरो माइनस टी एस, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का, के देखते हैं पी जीरो माइनस पी, पी जीरो ज़्यादा है, इधर प्रेशर ऊपर के साइड में इंक्रीज हो रहा है, तो पी जीरो माइनस पी, तो उस इक्वेशन से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब वहाँ पे इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट था, उसको बहुत से नाम है इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट को, ठीक है, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को भी और एक दो नाम है, तो हम देखते हैं अभी इसमें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसमें हमारे पास क्या रिलेशन है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, सेम है उसके जैसा ही, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, है ना, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, इसमें कांस्टेंट बदल जाएगा, के एफ यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वहाँ पे के भी था तो इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पे
टी एफ की जगह पे क्या था कि वहाँ पे टी बी था, बाकी का पूरा इक्वेशन हमारा क्या है सेम है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, तो के एफ हमारा क्या आएगा इसमें का क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अगर हमको के एफ की वैल्यू निकालना है तो ये मोलैलिटी इधर चला जाएगा और हमको उसका यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों भी सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। आगे देखते हैं, अब अगर हमको इक्वेशन सॉल्व करना है, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको इक्वेशन में एग्जाम में इवलोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दिया हुआ होता है, उसके ऊपर से हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ता है, या फिर मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देते हैं और हमको इवलोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यूज निकालो बोलते हैं। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी इक्वेशन आते हैं इसके, देखते हैं। डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, हमको पता है डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू मोलैलिटी। यहाँ पे मैंने के एफ या के बी क्यू नहीं लिखा, दोनों के लिए सेम है इसलिए लिखा नहीं। यहाँ पे भी टी एफ टी बी क्यू नहीं लिखा क्योंकि दोनों भी इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आते हैं, नीचे में हम वो लिखने वाले हैं, ठीक है। अब मोलैलिटी पता है, मोल्स ऑफ सॉलिड इन 2000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो उसके ऊपर से हम निकालते हैं मोल्स को वेट बाय मास, तो डब्ल्यू बाय एम इन 2000 वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, वो जैसे का वैसे लिख लिया। अब इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया मोलैलिटी की जगह पे, ये पूरी वैल्यू को मैंने कहाँ पे पुट किया मोलैलिटी पे। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बाय एन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये एम नीचे आ सकता है मेरा, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और के डब्ल्यू इंटू 1000 नीचे में ये एम आ सकता है, तो एम इंटू डब्ल्यू ऐसा भी इक्वेशन बन सकता है। बट अगर मेरे को क्या निकालना है, एम की वैल्यू निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो ये एम को मैं इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ का एम यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू, ये किसके लिए हो गया इब्लोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के लिए, और ये किसके लिए होगा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के लिए, है ना। यहाँ पे के एफ है और यहाँ पे के बी है, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर से हम निकाल सकते हैं, इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इवलोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक पहुँच सके।